निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूर्व, डॉक्टर कॉलोनी सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के साथ करें जॉब ओरिएंटेड कोर्स, बीटेक, पॉलिटेक्निक, होटल मैनेजमेंट सहित अन्य प्रोफेशनल कोर्स। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें एनराज एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट, आंध्रढाला ओवरब्रिज के नीचे, सिवान। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से संबद्ध सिवान के दयानंद आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बिना नीट उत्तीर्ण 29 छात्रों के नामांकन, उसकी परीक्षा का आयोजन व रिजल्ट प्रकाशन के मामले में जांच की रिपोर्ट तो राज्यपाल को सौंप दी गई, लेकिन अभी तक दोषियों पर कार्यवाही क्यों नहीं। बिना नीट पास किए गलत ढंग से 29 छात्रों के हुए नामांकन मामले में सिवान के दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज में हुए जांच की रिपोर्ट अब बिहार के राज्यपाल को सौंप दी गई है, लेकिन सिवान दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रिंसिपल प्रजापति त्रिपाठी सहित अन्य सभी दोषियों पर अभी तक कार्यवाही नहीं हो पाई। बता दें कि कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से संबद्ध सिवान के दयानंद आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बिना नीट उत्तीर्ण 29 छात्रों के नामांकन, उसकी परीक्षा का आयोजन व रिजल्ट प्रकाशन के मामले में 12 अक्टूबर को राजभवन द्वारा जारी चिट्ठी के बाद विशेष टीम सिवान में जांच करने पहुंची थी और यही टीम 3 दिन पहले भी दरभंगा विश्वविद्यालय में जांच करने पहुंची थी और वहां भी करीब 8 घंटे तक चले जांच में कुलपति शशिनाथ झा से पूछताछ की थी। पूछताछ के क्रम में शशिनाथ झा ने अपनी गलती को स्वीकार किया। जांच समिति ने दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रिंसिपल प्रजापति त्रिपाठी के सगे भाई श्रीपति त्रिपाठी से भी बंद कमरे में 7 घंटे तक गहन पूछताछ किया। जांच टीम का नेतृत्व भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति जवाहरलाल स्वयं कर रहे थे। सिवान के दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज जांच में कुलपति और सचिव ने करीब 20 घंटे तक चले जांच के बाद ये माना था कि जितने भी 29 छात्रों का नामांकन हुआ था वह अवैध तरीके से समय लिया गया, चूँकि इंक्वायरी स्पेशल टीम है राजभवन का, नेचुरली हमको ठीक से सारे कागज सब देखना था, वायरलेस मैनेज किया। जांच करने के बाद में जो ऑपरेशन है तो हम राजभवन में लिख देंगे सारे चीज, वीडियोग्राफी और पेपर है वो अभी है। तो जो भी गड़बड़ियाँ हुई हैं 29 स्टूडेंट में एडमिशन में वो हम सर आप गड़बड़ियों की बात कर रहे हैं, अभी तक के भी जांच आपने स्तर से देश में ऐसा प्रतीत हो गड़बड़ियाँ हुई है। यस गड़बड़िया 29 बच्चों के नाम का मामला था, ये माना जाए फर्जी नाम किया गया, कुछ पार्ट तो जो लगता है तो प्रमाण कन्वेंट ऑफ है मैदारे लोग भी का और लोगों का भी चलती नॉट। वहीं जांच के बाद विशेष टीम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि जांच में कई सारी गड़बड़ियां पाई गई हैं और उन्होंने कहा था कि दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रजापति त्रिपाठी एवं विश्वविद्यालय के कुलपति सहित सभी दोषियों पर कार्यवाही होगी। एडमिशन हुआ है बिना नीट, प्रधानाचार्य ने स्वीकारा कि बिना नीट छात्र, जबकि और का नियम है कि बिना नीट के क्वालिफाई की हो, चाहे वो एमबीएस हो चाहे डेंटल हो होम्योपैथी, किसी भी अंकन नहीं हो सकता। और लोग नीट एग्जामिनेशन को जो इग्नोर करके 29 स्टूडेंट्स का दिया है, प्रिंसिपल ने भी है और भाई चांद ने भी किया, दोनों ने किया। चांसलर ने तो यहाँ तक कहा कि ना तो उसका रजिस्ट्रेशन में जानता हूँ, इंडिक्शन हो गई है उसके बारे में भी उन्होंने साफ किया है, आधे घंटे का वीडियोग्राफी उन्होंने कहा है हम इन सब चीज़ों को कुछ नहीं जानते। लेकिन अब इस मामले में राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपे जाने की बातें तो सामने आ रही है, लेकिन दोषियों पर अभी तक किसी तरह की कार्यवाही नहीं होते दिख रही है। क्या राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद अब दोषियों पर कार्रवाई होगी या कुछ बड़े नेताओं के दबाव में इस मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा। अपुष्ट जानकारी मिल रही है कि इस मामले को उठाने वाले दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज के पूर्व सचिव डॉक्टर बीपीएम पाठक एवं उनके परिवार के सदस्यों को डराया जा रहा है और जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिसकी जानकारी उन्होंने लिखित रूप से बिहार के डीजीपी को भी किया है। ऐसा लगता है कि इस षड्यंत्र में प्रचार पीपी त्रिपाठी के साथ सिवान के कुछ नेता भी शामिल है। चेहरे के दाग धब्बे, बालों का झड़ना या स्किन पे झाई या झुर्रियों के आने से हैं परेशान, तो आज ही मिले डॉक्टर बी एच नासिर से।
अपने चेहरे और बालों की देखभाल के लिए आज ही आएं भारत हॉस्पिटल हुसैनी मोड़ बिंदुसार रोड सिवान। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें